फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक विद प्रगति विश्वा और मैं हूँ प्रगति विश्वा। आज से पहले आपने ब्रेड और बटर तो बहुत बार खाया होगा एंड आई एम श्योर ये तब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब आपका कुछ बनाने का मन नहीं होता या फिर आप जल्दी में होते हैं। लेकिन कभी कभी ब्रेड बटर खाना काफ़ी बोरिंग लगता है, तो इसीलिए आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एकदम झटपट बनने वाला एक मलाई टोस्ट, जिसे आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा इसे बनाने में और आप इंजॉय कर सकते हैं ब्रेड बटर से भी कई गुना ज़्यादा। तो चलिए बनाते हैं आज मलाई टोस्ट। तो मलाई टोस्ट बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले, ये मेरे पास है फ्रेश क्रीम या फिर मलाई। अगर आप फ्रेश क्रीम यूज़ कर रहे हैं मार्केट वाली, तो आप उसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप घर की मलाई यूज़ कर रहे हैं, तो एक बात का ध्यान रखें कि आपकी जो मलाई है वो फ्रिज के ठंडे दूध से निकाली हुई हो, क्योंकि अगर आप फ्रेश मलाई यूज़ करते हैं एकदम गर्म दूध पे से, तो एक तो मलाई अच्छी सी आती नहीं है, दूसरा उसका टेक्सचर अच्छा नहीं होता, और तीसरा उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो इस रेसिपी में हम यूज़ करेंगे ठंडे दूध की मलाई। आप देख सकते हैं ये काफ़ी थिक और क्रीमी हो जाती है ठंडा होने के बाद। तो हम यूज़ करेंगे ठंडे दूध की फ्रेश मलाई। इसके अलावा हमें चाहिए ब्रेड स्लाइस और थोड़ा सा नमक। तो सबसे पहले हम इस मलाई को लेकर अपनी ब्रेड पर स्प्रेड करेंगे। मैंने ब्रेड पर अच्छी तरह से मलाई स्प्रेड कर ली है। अब हम थोड़ा सा सॉल्ट लेकर इस पर स्प्रिंकल करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े से सॉल्टी फ्लेवर के लिए। फ्रेंड्स, मैंने तवा गर्म होने के लिए रख दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल अप्लाई करेंगे और अपने इस ब्रेड स्लाइस को हम इसके ऊपर रख देंगे, जो मलाई वाली साइड है वो नीचे, और अब इसकी बैक साइड पे हम लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल और इसे हाई फ्लेम पर हम सेक लेंगे। ये 10 से 15 सेकंड में ऑलमोस्ट अच्छे से सिक जाता है। तो चलिए फ्लिप करके चेक करते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से ब्राउनिंग हो गई है और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, आप ट्राई करिए। और नीचे से भी मैं इसे थोड़ा सा ब्राउन कर लूँगी। इसे हमें बहुत ज़्यादा करारा नहीं करना, क्योंकि ये सॉफ्ट और क्रीमी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम 10 से 15 सेकेंड या 20 सेकेंड दोनों साइड से कुक करेंगे। मुझे लगता है नीचे से भी सिक गया होगा, आप देख सकते हैं नीचे से भी सिक गया है। तो चलिए हमारा ये टोस्ट रेडी है, देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो हमारे क्रीम टोस्ट बिल्कुल रेडी हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए इन्हें सर्व करते हैं, पर सर्व करने के लिए आज मैं इसे कट करूंगी पहले। तो इसे अच्छे से कट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारे क्रीम टोस्ट बिल्कुल रेडी हैं सर्व करने के लिए। आज मैं इसे सर्व कर रही हूँ चाय के साथ। आप चाय या कॉफ़ी किसी के साथ भी इसे इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही क्रीमी, टेस्टी और सॉफ्ट लगते हैं। तो आज ही अपने घर बनाइए इन टोस्ट को और इंजॉय कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।